आपकी इच्छाओं, आपकी आशाओं को नकारा है। 5 साल सरकार चलाई है और आज तक वही बहाने बना रहे हैं जो इन्होंने पिछले चुनाव में आपके सामने रखे थे। जब आप इनसे जवाब नहीं मांगते हैं, कहते हैं ये हमारे से पहले नहीं हुआ, ये काम ये इनकी वजह से हो रहा है, बेरोजगारी है तो कांग्रेस की वजह से है, लेकिन सत्ता में तो आप रहे हैं 5 साल, आपने क्या किया? जनता को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता को धोखा दिया है। देखिए बहानेबाजी नहीं चलती, आप कहते हैं शक्तिमान है, आप कहते हैं बहुत बड़े नेता है, आप कहते हैं आपका 56 इंच का सीना है, तो अगर इतने महान है, इतने शक्तिमान है तो क्यों नहीं निश्चय नहीं ले सकते, क्यों किसानों के लिए निश्चय क्यों नहीं ले सकते, रोजगार क्यों नहीं दिलवा सकते? ये आपकी दुर्बलता है, ये एक दुर्बल सरकार है, इसको पहचानिए। जो सबल सरकार होती है, जिसकी शक्ति होती है, जिसकी राजनीतिक शक्ति होती है, वो क्या करती है? कभी अब जनता को नहीं दबाती, कभी जनता को नहीं दबाती, आलोचना सहती है, जब जनता उठ के अपनी मांग उठाती है उसको दबाती नहीं है, पिटवाती नहीं है, वो सुनती है। राजनीति आप करेंगे, आप भाजपा को समझाएंगे कि आपके सामने आकर झूठे वादे करेंगे तो आप उनका समर्थन नहीं करेंगे। आप समझाएंगे हर नेता कि जब तक आपके विकास की बात न हो, जब तक चुनाव में ये मुद्दे न उठे जो आपके मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, ये मुद्दे नहीं उठेंगे तब तक आप समर्थन नहीं करेंगे। देखिए शक्ति आपके हाथों में है, इस बात को अच्छी तरह से पहचानिए और इस बात को नकारिए मत, हल्के में मत लीजिए। शक्ति आपके हाथों में है, आपने हम सबको बनाया है, आपने इस सरकार को भी बनाया है, आपने उनके नेताओं को भी बनाया है, तो अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचे। ये देश आपकी आपका है, आप हिफाजत करें इस देश का, आप जिम्मेदारी लें। चुनाव सिर्फ चुनौती, चुनाव नहीं है, चुनौती है आपके लिए। जो वोट है बहुत कीमती चीज है, इसको जाया मत करिए, इसको अपने पक्ष में, जनता के पक्ष में ये वोट डालिए, उसको जिताइए जिसका दिल आपके लिए धड़कता है। मैं अपने भाई को जानती हूँ, हमने बहुत संघर्ष देखे हैं, मेरे भाई ने और मैंने, हमने अपने पिता की शहादत देखी है, हमने इस देश के लिए बहुत बलिदान देखा है अपने परिवार के सदस्यों के प्रति। हम जानते हैं कि इस जनता की मांग, इस जनता की समस्या, इस जनता की आशाएं महत्वपूर्ण है, हमने ये सीखा है। राहुल जी आपकी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, उनको सत्ता का कोई शौक नहीं है।